680 रुपया धान के मिनिमम सपोर्ट प्राइस में वृद्धि होती है, 680 रुपया की कीमत में वृद्धि होती है, इसके लिए धन्यवाद दूंगा। और भूपेश जी जो आज बात कर रहे हैं कि हम धान के समर्थन मूल्य 2640 रुपया कर देंगे, मुझे लगता है कि यदि भूपेश सरकार के और इस प्रकार के उनके कार्यकाल में यदि वृद्धि देखा जाए तो कुल 280 रुपया की वृद्धि हुई है। इसका मतलब है धान का यदि कीमत देना है उनको तो 2640 नहीं 2790 रुपया देना चाहिए, क्योंकि ये 280 रुपया की वृद्धि अपने आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस में हो चुका है। तो आप 2500 से अब ऐड करेंगे तो सीधा सीधा 2790 रुपया की कीमत में वृद्धि को उनको लेना चाहिए और ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस में जो वृद्धि है उसको तो करना चाहिए। सबसे पहले मैं बोरवेल में ज़िंदगी की जंग लड़ रहे राहुल साहू की सकुशल और सुरक्षित निकासी की प्रार्थना करता हूँ और पूरा छत्तीसगढ़ इनकी सलामती के दुआ कर रहा है। NDRF की टीम, जिला प्रशासन की टीम बहुत ही कुशलतापूर्वक काम कर रही है और लगातार ये टीम लगी है और बहुत नज़दीक पहुँच चुके हैं। आने वाले समय में अच्छा समाचार पूरे छत्तीसगढ़ और देश को मिलेगा। सबसे लंबे समय तक चलने वाला ये ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो, ईश्वर से सभी प्रार्थना करते हैं। मुझे लगता है कि आज ये सरकार और ख़ासतौर से भूपेश सरकार के बारे में अपनी बात शुरू करूँगा। सरकार ने 4.25 साल डेवलपमेंट तो कुछ किया नहीं, विकास से तो अछूते हैं, विकास से दूर हैं। उसके साथ ही साथ इस 4.25 साल में सिर्फ एक ही काम रहा भूपेश सरकार का, गांधी परिवार की सेवा में 4 साल छत्तीसगढ़ का निकल गया। ATM तो है छत्तीसगढ़, पूरे हिंदुस्तान के सारे इलेक्शन की फंडिंग होती है, ये तो जग जाहिर है और दुनिया जानती है कि दूसरा कोई काम नहीं। मगर उससे आगे जो आज स्थिति है, जब छत्तीसगढ़ की जनता ने इतना बड़ा जनाधार दिया, 90 में से 70 सीट दी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, जनता ने इससे बड़ा समर्थन नहीं दिया था, उसके बाद भी छत्तीसगढ़ के लिए क्या भावना है राहुल गांधी और सोनिया गांधी में, ये दिखता है कि गांधी परिवार ने छत्तीसगढ़ की उपेक्षा की। लगातार 4 राज्यसभा के चुनाव होते रहे, चारों राज्यसभा के चुनाव में छत्तीसगढ़ की पूर्णता उपेक्षित हुई। मोहसिना किदवई से शुरू करके तुलसी तक आए और तुलसी के बाद अभी 2 राज्यसभा के सीट करें तो 4 में 4 राज्यसभा सीट लगातार कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के बाहर, कभी बिहार, कभी उत्तर प्रदेश, कभी दिल्ली, यानी ये एक प्रकार से छत्तीसगढ़ चारागाह बना हुआ है। सिर्फ बाहर से राज्यसभा के चुनाव हो रहा है तो लोगों को यहाँ पे टिकाएँ रुके, मगर छत्तीसगढ़ को जब राज्यसभा की बात आती है तो नहीं होता। और भूपेश बघेल जिस मिशन को हाथ में लेते हैं, जिस काम को लिया, वहाँ उन्होंने पूरी तरीके से डुबाया है कांग्रेस पार्टी को। उत्तर प्रदेश, असम से लेकर अभी जो राज्यसभा के चुनाव हुए हरियाणा के चुनाव में भी बहुत तैयारी है, बहुत खर्च करने के बाद भी आज स्थिति ये रही कि हरियाणा में कांग्रेस के राज्यसभा के सदस्य नहीं जीत पाए। ये स्थिति छत्तीसगढ़ की बनी है कि जहाँ जहाँ इनके हाथ पड़ते हैं वहाँ बंठाधार होना तय रहता है। आज जो सबसे ज़्यादा चर्चित मामला है वो है माफिया को भूपेश सरकार के द्वारा किए जाने वाला खुला संरक्षण। माफिया किस तरह का छत्तीसगढ़ में पैर पसार सका है, आज कोरबा की स्थिति धनबाद जैसे हो चुकी है। जिस प्रकार कोल माफिया वहाँ पे इकट्ठे हैं, जिस प्रकार से कोयले की तस्करी हो रही है, जिस प्रकार 25 रुपया प्रति टन की अवैध वसूली हो रही है, जिस प्रकार आज छाल से रायगढ़, कोरबा से कटघोरा के बीच ट्रकों में लोग अवैध रूप से कोयला को ले जा रहे हैं, बोरे में भर भर के ले जा रहे हैं। और एक फिल्म जो आई थी कोयले चोरी के लिए KGF, वो KGF की कहानी आज छत्तीसगढ़ में दोहराई जा रही है। अवैध रूप से वसूली हो रही है और कोरबा कलेक्टर वही कलेक्टर है जिस पर मंत्री आरोप लगाता है कि ये करप्शन में, भ्रष्टाचार में लिप्त है, और वही कलेक्टर के संरक्षण में वहाँ के अधिकारी जिस प्रकार से कोयले की तस्करी में लिप्त है, खुलेआम डीजल की चोरी हो रही है,
कोयले की चोरी हो रही है, माफिया का पूरी तरीके से अंकुश है और इसे कांग्रेस का भूपेश बघेल का पूर्णतः संरक्षण प्राप्त है। बिना संरक्षण के एक कोयले का एक टुकड़ा नहीं जा सकता। उस कोयले की अवैध वसूली में सबको पैसा मिल रहा है और इसलिए जब इस घटना के लिए ओपी चौधरी एक सीडी जारी करते हैं जो बहुत पुराना वायरल सीडी था, कोई नया नहीं था, मगर उस सीडी के जारी होने के बाद इनके चेहरे में जब आईना दिखाया गया और उसके बाद इनकी जो प्रतिक्रिया हुई कि आत्ममुग्धता से मुक्त अहंकार से भरा हुआ भूपेश बघेल ने किस प्रकार कुचलने की साजिश की और FIR दर्ज कराया। माफिया और कोयला चोरी वाले के ऊपर कोई FIR नहीं होता, FIR होता है तो भूपेश बघेल जो करवाते हैं ओपी चौधरी के ऊपर कराते हैं जो वहाँ पे उनके अपराध को, वहाँ कोयला चोरी को एक्सपोज करने के लिए सामने आए। और आज हो क्या रहा है छत्तीसगढ़ में, एक तरफ तो आप जा रहे हो दिल्ली में प्रदर्शन करने, दूसरी तरफ आज छत्तीसगढ़ में यदि ओपी चौधरी मुद्दों की बात करता है तो उसको गिरफ्तार करने की बात मुख्यमंत्री खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बोलते हैं। यानी कोयला चोरी का संरक्षण देने का इससे बड़ा बात और क्या हो सकता है जो आज छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। खुलेआम कोयला चोरों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। पखांजूर की घटना हुई, मक्का खरीद करके करोड़ों रुपये लेके व्यापारी भाग गया, हमारे लोग और आदिवासी भाई वहाँ पे चक्का जाम करते हैं, भोजराज नाग को थाने में बैठा लिया जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है। रायगढ़ में यदि प्रदर्शन होता है तो रायगढ़ के 16 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया जाता है। ये सरकार तानाशाही कर रही है, ये सरकार FIR दर्ज कर रही है और मुझे लगता है कि सरकार की सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल के नक्शे कदम में चलने का काम कर रहे हैं। भय और आतंक करके सरकार विपक्ष को दबाना चाहती है, मगर इस बात को साफ सुन ले कि इस प्रकार के FIR थे, झूठे FIR से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता न डरने वाले हैं न दबने वाले हैं। ये इनके सारे भ्रष्टाचार का आने वाले समय में और पुरजोर तरीके से विरोध होगा। एक मुद्दा अभी जो सबसे ज़्यादा चर्चित है खाद को लेकर, खाद की जिस प्रकार से कालाबाजारी हो रही है, खुले मार्केट में आप जितना चाहें खाद खरीद लें, ओपन मार्केट में खाद उपलब्ध है जितना मात्रा में आप खरीद लें, मगर वहीं जब किसान सोसाइटी में जाता है यूरिया मांगता है DAP मांगता है वो उपलब्ध नहीं है और बोलते हैं केंद्र सरकार नहीं भेज रही। अरे केंद्र सरकार यदि नहीं भेजती तो खुले बाजार में ट्रक भर के आप खाद ले सकते हो, इसका मतलब है कि पूरा का पूरा आमटन का तरीका भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए है और भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने की दृष्टि से इन्होंने मैक्सिमम जो खाद है उसको व्यापारियों को दे दिया और किसानों तक खाद पहुंचने में ED की कार्रवाई। और ED की कार्रवाई के लिए जब नेशनल हेराल्ड के मामले में सोनिया राहुल गांधी के को नोटिस दिया जाता है, इसका उनको जवाब देना चाहिए। जवाब के बदले में एजेंसी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED को दबाव में लाने की कोशिश होती है और जांच एजेंसी के ऊपर दबाव डाल के प्रदर्शन करके धरना करके लोगों की ताकत दिखा के आप क्या बताना चाहते हो, क्या अपराध छुप जाएगा? यदि नेशनल हेराल्ड के मामले में भ्रष्टाचार हुआ है और जो दिखता भी है तो उसमें कार्रवाई होगी, सजा होगी, दबाव बनाने से काम नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि ये पूरा प्रयास सिर्फ 2000 करोड़ की संपत्ति को बचाने के लिए एक प्रकार से दबाव बनाने का काम करने का काम भूपेश बघेल और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। शोर मचाए शोर, इतना हल्ला करने से कुछ नहीं होता। यदि छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन होता है उसके ऊपर FIR होता है और वहां जाकर नेशनल हेराल्ड के धरने में बैठते हैं मुख्यमंत्री होने के नाते, क्या यही प्रजातांत्रिक तरीका है? यदि छत्तीसगढ़ में कार्रवाई नहीं कर सकते तो आप वहां पे जाकर धरना में बैठने का अधिकार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।